हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज बहुत अच्छे उपाय लेकर आई हूँ। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपको धन की भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरु जो है आपको ये पति सुख भी दिलाता है, संतान सुख भी दिलाता है। तो देखिए मैंने क्या लगा रखा है, ये है, आप सभी पहचानते रुद्राक्ष। और अभी सावन का मास चल रहा है और इसमें रुद्राक्ष का सब बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये शिव को बहुत अधिक प्रिय होता है दोस्तों। इसके लिए मैंने इसको नाभि के यहाँ लगा रखा है, यानी कि नाभि के आपको पास में बांधना है। आप एक से लेकर पाँच तक बांध सकते हैं और इसको इसी तरह से बांधे रखना है। तो उसको आप छुरी में इस तरह से डालेंगे, इसमें एक छेद होता है, ये है रुद्राक्ष आपको पंचमुखी। तो इसके साथ आपको पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है और इस तरह से डालना है इसके अंदर दोस्तों, जैसे मैं डाल रही हूँ। इस तरह से आपको सुई में डालकर ये बनाना है और ये आँच आपके इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। और आप चाहें तो तीन भी बांध सकते हैं, पांच भी बांध सकते हैं और सिर्फ एक भी बांध सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है जितना कि आपको पाँच से मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो पाँच से तुरंत लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत ले सकते हैं। पूर्णमासी के दिन आप इसे बांधेंगे और इसे जो है ये सावन मास की पूर्णिमा, यानी कि जिस दिन पड़ रहा है रक्षाबंधन, इस तरह से ये यहाँ पर आएगा हमारी नाभि के नीचे। ये नाभि के नीचे यहाँ पर बनेगा। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो भी, और अगर आप साड़ी नहीं बांधते हैं, जीन्स पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो आपको यही बांधना है और इसको पहन करके रात को इस तरह से सोना है। इस तरह बांध कर पूरी कमर में इस तरह से ये बंध जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पीछे से भी आ रहा है ये, आगे से भी पूरा इस तरह से बंध जाए, ये बंधा रहेगा इस तरह से। और आपको सिर से बांध के रखना है और इसके बाद आप जो है इसका लाभ प्राप्त करेंगे। तब आप अपने पति के साथ अगर इस तरह से शयन करते हैं उस रात में, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है दोस्तों। और उस दिन आप इसी कामना से रात को 11:11 पर बिस्तर पर जाएंगे दोनों पति पत्नी, और बहुत अच्छी चीज़ में ये कहेंगे कि हे प्रभु, हम आज संतान उत्पत्ति के लिए ये कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरह से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है उपाय। देखिए बहुत कारगर उपाय है ये, क्योंकि रुद्राक्ष जो है शिव को अति प्रिय है और इसको आप बांधेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरह से ये आप जो है, मैं आपको बांध के दिखाया है, आपको नाभि के पास बिल्कुल बांधना है और ये कामना करते हुए कि मेरे को उत्तम संतान यानी कि पुत्र प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो वो, और जो भी आप कहना चाहते हैं यानी कि मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति हो, वो हमारे देश के लिए काम आए, हमारे लिए काम आए, ऐसी संतान की प्राप्ति के लिए आपको ये रुद्राक्ष जो है बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों ये उपाय जरूर करके देखिएगा। आ रही है सावन मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का दिन 22 तारीख को, आप इसे करके देखिए। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ एक बार इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे मेरे वीडियोस मिलते रहें। इसी के साथ आपको मैं कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय दोस्तों।